हे दोस्तों, कैसे आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुछ न्यू फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिवाली नज़दीक आ रही है, और जब भी दिवाली आती है तो दिवाली का क्रेज ही अलग होता है लोगों में। दिवाली का क्रेज इतना है इंडिया में, मैं आपको बता नहीं सकता। दिवाली इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और जैसी दिवाली नज़दीक आती है तो होती है फीलिंग, जैसे खुशी होने लगती है। खुशी का त्यौहार है, खुशी का फेस्टिवल है, तो खुशी तो हो गई है। तो और तरफ जहाँ मार्केट में आपको ऑफर्स और डील्स पूरे साल कहीं नहीं मिलेंगी जितनी आपको दिवाली पे भी मिल जाती है। पूरे साल आपको इतने डील्स, इतना भारी डिस्काउंट नहीं मिलता जितना कि कंपनियां दिवाली को दे देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है इंडिया का कि कोई भी कंपनी अपने आप को मतलब रोक नहीं सकती डिस्काउंट या ऑफर या डील देने से आपको, क्योंकि दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अब आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, कार लेनी हो, कोई बाइक लेनी हो, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, साथ में डील्स और ऑफर्स मिलेंगे, साथ में आपको कुछ फ्री मिलेगा। बाइक लोगे तो कुछ फ्री मिलेगा, कार लोगे तो ये मिलेगा, ये सर्विस मिलेगी आपको फ्री, ये सब कुछ आपको दिवाली के मौके पर मिलता है। ऐसे ही अब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर सेल चल रही है। अमेजोन पे इंडिया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, वो एक बार फिर से शुरू हो रहा है 2 से 5 नवंबर, और एक फ्लिपकार्ट पे महादिवाली सेल है, वो कल से शुरू हो जाएगी 1 नवंबर से। तो आप खुद देख लो, ये कंपनियाँ भी तीसरी बार सेल शुरू कर रही हैं, और जहाँ पूरे साल 6 महीने में या 2 बार इनकी सेल आती है, देख लो दिवाली के मौके पर तीसरी बार शुरू हो रही है। और ये 10 से 15 दिन में ही हुआ है, तीसरी बार सेल शुरू कर रहे हैं अपनी। तो सोचो कितने भारी डिस्काउंट डील ऑफर कितने दिवाली के मौके पर मिलता है। और जियो जियो भी दिवाली के मौके पर आपको 8 GB का नेट फ्री दे रहा है। तो मतलब कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज की बात कर लो, किसी भी कंपनी की बात कर लो, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ आपको हर तरफ से ऑफर और डील्स मिलती मिलती है। दिवाली के मौके पर ही लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे धनतेरस आया, धनतेरस पे चांदी या सोने के बर्तन वगैरह खरीदने को शुभ माना जाता है, तो लोग इसी दिन ही खरीदते हैं। शॉपिंग भी इसी दिन ज़्यादा होती है, दिवाली के इस टाइम शॉपिंग लोग ज़्यादा करते हैं। और दिवाली शॉपिंग तो बनती है क्योंकि हर तरफ से आपको ऑफर्स और डील्स मिलते हैं। तो बस दिवाली बस आते ही बस यही कुछ यही सोचने में मिलता है कि पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई खाएंगे, जो भी है मतलब, लेकिन दिवाली है खुशियों का त्यौहार। तो आप खुद देख सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो सेल होती हैं। अब देखो फ्लिपकार्ट ने तो अपनी सेल का नाम रखा महादिवाली सेल, ऐसे कुछ नाम है, देख लो दिवाली का क्रेज कितना है। और अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो दिवाली पे शेयर में बिकवाली भी ज़्यादा हो जाती है। तो शेयर मार्केट भी एक ऐसा दिवाली से जुड़ता बुड़ता मार्केट है। अगर दिवाली के टाइम पर मार्केट भी ऊंचा हो जाता है, तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दिवाली का मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। दिवाली का मौका सबके लिए अच्छा होता है यार, चाहे आप कुछ कर लो, कुछ आपने सोच रखा है दिवाली के मौके पर कुछ कर लो यार, खुशी का त्यौहार है और सबके साथ मनाने में ही मज़ा आता है दिवाली को। अपने घर वाले अपने परिवार के साथ दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ होता है। तो बस आज आपको दिवाली के बारे में बताया कि दिवाली का क्या महत्व है, इस क्या इंडिया में कितना बड़ा फेस्टिवल है दिवाली।
अभी तो 31 अक्टूबर है, अभी तक 6 दिन पड़े हैं, अभी आपको हैप्पी दिवाली बोलूँगा तो वीडियो में आएंगे तब। तो आई होप आप मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।